हेलो दोस्तों, तो आज जो वीडियो है कुरान वर्सेस अबाउट ट्रायल्स यानी आजमाइश। एक्चुअली इसका क्या मीनिंग है ऐसे तो समझना बहुत डिफिकल्ट है, शायद आप लोग बता पाए, बट मेरा ये फर्स्ट टाइम है और टॉपिक काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है, उससे कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा कि क्या है ये। बट डेफिनेटली कुरान वर्सेस एंड अबाउट ट्रायल्स आजमाइश, तो आई थिंक सुन के ही पता चलेगा क्या होने वाला है। बट जो भी होगा आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए पहले इसे सुनते हैं और उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे, सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाकई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल है और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की इनायतें हैं और खुसूसी रहमत भी है, और यही सीधे रास्ते पर हैं। और ऐ पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दबाम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर शख्स को मौत का मजा चखना है और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे। कोई मुसीबत जमीन में और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर बेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें, एक किताब में लिखी हुई होती है और ये काम अल्लाह को आसान है, ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो, और अल्लाह किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता। और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया, क्या तुम लोग सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे माल और जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे, तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। क्या ये देखते नहीं कि ये हर साल एक या दो बार बला में फंसा दिए जाते हैं फिर भी तौबा नहीं करते और न नसीहत हासिल करते हैं? और जो मुसीबत तुम पर वाकई होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो माफ कर देता है। और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे? और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं, उनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सऊबतों में हिला हिला दिए गए, यहां तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी? देखो अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मददगार है सो हमको काफिरों पर। ये आजमाइश, ऐसी आजमाइश की बात हुई, तो दोस्तों जैसे हम आम इंसानों में होता है ऑब्वियसली ये हर जगह होता है कि आपका एक टेस्ट, एक परीक्षा ज़रूर होती है, जिसे यहाँ पर ट्रायल वर्सेस कहा गया है और आजमाइश की बात कही गई। तो उसी तरह से अल्लाह भी अपने नेक बंदों का इम्तिहान या आजमाइश, ट्रायल ज़रूर लेते हैं, जैसे कि आपको उन पर कितना ईमान है। वो बुरी से बुरी सिचुएशन लेके आएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ आपको देंगे, गुजारेंगे, ये चेक करने के लिए कि आपका ईमान कहीं डगमगाता तो नहीं। वो उन लोगों को भी परीक्षा देंगे जो उन पे ईमान नहीं रखते हैं और उस सिचुएशन में वो ये क्या करते हैं, एंड उसी अकॉर्डिंग अल्लाह अपना करम उन लोगों पर करता है। तो ये बहुत बहुत
डीप बात है, बहुत छोटे में बहुत कुछ कहने की कोशिश करी गई है। आप इसे कभी ध्यान से बैठ के सोचिए, मतलब ये इतनी बड़ी बात कह दी गई है। और ये एक जो वर्स है, आई थिंक ये एक जो छोटी सी वीडियो है, इसने काफ़ी कुछ कह दिया और सोचने के लिए हमें काफ़ी कुछ छोड़ दिया आज के टाइम में। और अगर आप सोचेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप किस हद तक अपने खुदा पर ईमान रखते हैं। क्या कभी ऐसा सिचुएशन आया जब आपका ईमान डगमगाया है और एट द एंड में हम क्या करते हैं, उसी खुदा पे याद करते हैं। यू नो, एट द एंड में चाहे ईमान हो या ना हो, लास्ट में वो ज़रूरी निकल आता है कि हम हमेशा खुदा को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, हमें इस मुसीबत से बचा ले। यू नो, आई एम राइट और रॉन्ग? सो आप बताइए, आपको क्या लगा ये सुन के, कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि कोई नया थॉट प्रोसेस ज़रूर आया होगा ये सुनने के बाद, या कुछ ना कुछ तो नया दिमाग में ज़रूर चला होगा। बस वही मेरी कोशिश है, वही पूरा इरादा है इस वीडियो को डालने का। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले क्लिप्स के साथ। मैं तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।